न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स और खबर खरगोन से आपको बता दें, जहां चित्तौड़गढ़ भुसावल हाईवे के बाद जिले के कसरावद रोड पर चौड़ीकरण होने के बाद वाहनों की रफ्तार ग्रामीणों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। बता दें, बीती रात लोहारी में घर से किराना सामान लेने निकला एक बुजुर्ग पिकअप वाहन की चपेट में आ गया, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई है। बुजुर्ग की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मंगलवार सुबह मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन भी किया। पुलिस के पहुंचने पर परिजनों को समझाइश देकर मामला शांत कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार, मुस्लिम समाज में पूर्वजों की याद में कुंडों का त्योहार मनाया जाता है, उसी की तैयारी को लेकर लोहारी निवासी अहमद नत्थू सोमवार करीब 8:30 बजे घर से निकले थे। कुछ दूरी पर जाते ही खरगोन से कसरावद की ओर जा रहे तेज रफ्तार पिकअप वाहन चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर के बाद वाहन चालक वाहन सहित फरार हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क से अतिक्रमण हटाने और वाहनों की गति पर लगाम के लिए स्पीड ब्रेकर की मांग की है। हम इसलिए किया है कि ये जो अतिक्रमण है यहाँ पे रोड पे, इसके लिए आए दिन घटनाएं घटती है और शासन और प्रशासन इसमें कुछ भी हेल्प नहीं कर पा रहा है, और हम अनेक बार आवेदन दे चुके हैं पंचायत को भी, तहसीलदार साहब को भी और कलेक्टर साहब को भी। आज क्या हादसा हुआ? आज रात को हादसा ये हुआ था कि एक पिकअप वाला स्पीड ब्रेकर यहाँ पे नहीं होने की वजह से स्पीड से आ रही थी अपनी पिकअप, पिकअप ने स्पीड पकड़ के और इमरजेंसी ब्रेक मार के और अहमद अली को ठोक दिया और वजह स्पार्ट हो गया और यहाँ पे खड़ी हुई थी ट्रक। अगर ट्रक नहीं होती तो शायद वो बच जाते हैं। अब की घटना थी ये रात के 8:45 बजे। प्रशासन पी आई साहब आए थे, उनसे सिर्फ मांग ये की गई थी कि स्पीड ब्रेकर बना दें वो और गवर्नमेंट से जो होता है और अतिक्रमण हटा दें, हमारी और कोई दरख्वास्त नहीं थी। और वो परिवार का मुख्य आदमी था, अब अज्ञात वाहन मार के उसको भाग गया है, अब उसके परिवार का भरण पोषण के लिए हमने मांग की है। नाम क्या था? नाम अहमद खान, यही के निवासी, यही के लोहारी के निवासी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ खान। कल रात को एक एक्सीडेंट हुआ है, अज्ञात पिकअप वाहन टक्कर मार के गई है, इसमें जो घायल थे उनकी जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान मृत्यु हो चुकी है। इस बात को लेकर के इनका यह था कि स्पीड ब्रेकर यहाँ पे वो लगाए जाए और ये रोड पर कुछ होटल है इनको भी हटाया जाए जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है। बहुत से वाहन खड़े रहते हैं जिससे इतना सड़क चोरी होने के बावजूद भी सक्रिय हो जाती है और कई बार हादसे के शिकार लोग हो चुके हैं। यहाँ पर स्पीड ब्रेकर की मांग भी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही? नहीं, स्पीड ब्रेकर के लिए जो भी प्रशासनिक माध्यम है उससे बात की गई है, क्योंकि हाईवे है हर जगह पे, तो स्पीड ब्रेकर बनाने का जो नियम है उसी के अनुसार बन पाएगा। और मेरी लगातार जो रोड अथॉरिटी है जो इसके उनके अधिकारियों से चर्चा भी हुई है, स्पीड ब्रेकर भी बनवाए जाएंगे यहाँ पर।